हम प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचला अधिकारी महोदय बैंक कर्मी से मांग करेंगे कि इनको मुआवजा दिया जाए ताकि फिर से अपने दुकानदारी बिजनेस को खड़ा कर सके। हेलो नमस्कार, तो आप देख रहे हैं केडीएन न्यूज, हम है सूरज कुमार। तो अभी हम कवाकुल बाजार में हैं और यहाँ देख लीजिए विक्की गिफ्ट कॉर्नर एंड रेडीमेड शॉप है। तो रात में आग लग जाने के कारण पूरा दुकान जल गया, और जल गया तो इनके क्या है स्थिति हम थोड़ा दिखाते हैं और इन दुकान के जो मालिक है उनसे हम बात करते हैं। थोड़ा इधर आइएगा। क्या नाम हुआ आपका? छोटे लाल साहब। आप ही का दुकान था? जी हाँ। ये दुकान में सर कब पता चला ऐसे ऐसे जो घटना हुआ है उसके बारे में? हमको तो मालूम चला आज सुबह, मतलब पौने चार बजे। पौने चार बजे? तो ये किस कारण से हुआ, कुछ पता चला? नहीं, हमको कुछ मालूम नहीं है। कुछ मालूम नहीं चला है? नहीं। तो इसमें क्या क्या प्रक्रिया था लगभग आपका दुकान में? गिफ्ट का मतलब पूरा गिफ्ट का सामान था इसमें, पूरा भरा हुआ। पूरा भरा हुआ था? जी हाँ। कहीं से लोन भी लिए हुए थे क्या? लोन लिए थे 4 लाख रुपया पीएनबी से। पीएनबी से? जी। तो उन्हें खबर की है? खबर की है, लेकिन वो लोन वाला नहीं था। मैनेजर साहब बोले कि मतलब कि हम आपको पर्सनल लोन दिए हैं। पर्सनल लोन दिए? हाँ जी। सर दुकान का इंश्योरेंस वगैरह करवाए थे? नहीं, दुकान का नहीं है। दुकान का नहीं था। दुकान ने पूरी लागत लगभग कितनी की थी आपकी? पूरी लागत थी 5 लाख प्लस का, और 1,20,000 रुपए कैश था। वो भी जल गया। मतलब 1,20,000 कैश था जी, दुकान में रखे हुए थे जी, वो भी तो जल गए होंगे जी। अच्छा सर, जो अभी आपके ये जो है अपना घर है या फिर किराए पे रहते हैं? नहीं, अपना घर है। अपना घर है सर। जो ये स्थिति यहाँ तक पहुँचने में कितनी कड़ी मेहनत की होगी, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। बहुत कठिन की है। बहुत कठिन? कितने वर्ष में आप इस मुकाम तक हासिल हुए थे? जो एक मिनट में आपका पूरा जो है पूंजी और पूरा मेहनत जल कर रहा है। कम से कम 8-10 साल से। 8-10 साल से मेहनत करते जा रहे हैं और आज जब इस मुकाम पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं मेरा खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। देखिए ये दुकान का ओनर है, उनके घर में ऐसी मौसुई छाई हुई है कि पूरा क्या बताए, आप खुद देख रहे हैं दुकान का हालत क्या हो गया जल कर। और ये कार्य हमें पता नहीं, इनके जो शॉप का ओनर ये है लेकिन इनके कारदार इनके बेटा करते हैं। इधर आइएगा। क्या नाम हुआ आपका? विक्की कुमार। विक्की कुमार, आपको अच्छा कब पता चला कि ऐसे ऐसे घटना हुई है? वही 4:15 बजे के आसपास में पता चला। पता चला किनके द्वारा? कोई जा रहे थे रोड में तो फोन आया था घर पर कि आपका दुकान में आग लगा हुआ है। अच्छा जी। तो हम लोग हड़बड़ा लाए। अच्छा, प्रशासन जो कहो करके प्रशासन आपको मदद की है? जी हाँ की है। बहुत? क्या बोले? बहुत बहुत की है। बहुत की है। तो उनको धन्यवाद का पादिर है वो? एकदम धन्यवाद। अच्छा सर, जो अभी ये पता चला तो आपके दुकान में क्या क्या अभी जैसे आप चला रहे थे, आपका पिताजी भी बताए कि ऐसे थे लेकिन आप दुकान चला रहे थे, तो आपको क्या क्या इसमें जात हो जो अभी तक लगा चुके थे आप? ए से लेके जेड तक सामान था हमारे यहाँ। सामान था गिफ्ट का? गिफ्ट का। कितने पूंजी का लागत था इसमें लगभग? कितने? 5 से 7 लाख। 5 से 7 लाख। पता चला अभी पिताजी आपके बोल रहे थे लोन के बारे में। हाँ, 4 लाख रुपए लोन लिए हैं। 4 लाख रुपया लोन लिए? लोन लिए थे। तो लोन वाले को खबर किए हैं? लोन वाले को खबर किए हैं। तो क्या बोलो? वो बोले कि आपको हम पर्सनल लोन दिए थे, बिजनेस पर्पस लोन नहीं थे। बिजनेस पर्पस लोन नहीं दिए थे। तो आप जैसे अभी यहाँ है तो इनको कुछ कह सकते हो? सरकार को आप बता सकते हैं अपनी नाराजगी, जैसे बोल सकते अगर सरकार से कुछ हो तो मदद की कामना करते हैं सरकार से? बिल्कुल करते हैं। करते हैं। अच्छा, ये जब ये हुआ तो यहाँ के आसपास जितने भी दुकानदार है सबका सहयोग मिला आपसे? बिल्कुल मिला। हाँ बिल्कुल मिला। और ये जो देखा जा रहा था कि जिस समय आग लगा था तो मंजर तो बहुत भारी होगी जो। जी हाँ। काबू पाने के लिए कितना टाइम इसका रेस्क्यू चला? इसका इनसे कम तीन से तीन दो अढ़ाई घंटा चला। दो अढ़ाई घंटा रेस्क्यू चला। पानी वाला? क्या बोले? 4 टैंकर आया था सर। 4 टैंकर पानी वाला था? पानी वाला था। 3 गो छोटा 1 गो बड़ा। इनको छोटा एक बड़ा। क्या बोले? जिला से भी टैंकर आए थे। हम लोग उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाया है। देखिए इधर थोड़ा आइएगा, दिखाइएगा दुकान का जो मंजर है। और इनका कहना है कहीं ना कहीं नाराजगी है कि और इनके दुकान का जो इस मंजर हुआ है और पूरा घर में शोक लगा हुआ, जैसे कि आप बहुत कड़ी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचे थे ये, और एक मिनट में इनका जो भी सपना था और मेहनत था, जितने भी पूंजी की लागत थी, एक मिनट में जल कर खत्म हो गई। और इनके जो भी
था, सब चीज खत्म हो गया। और इनका कहना है कि हमारे दुकान में 1,20,000 कैश भी थे जो आज महाजन आने वाले थे, लेकिन अब उन्हें हम क्या बताएंगे और क्या देंगे हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सामने के दृश्य रहा। लेकिन सर आप यहाँ के जो वर्तमान BDO साहब है या फिर आप थाना प्रभारी है, उनसे कुछ राय लिए क्या आगे होना चाहिए? नहीं, अभी हम जा रहे हैं राय लेने के लिए। जा रहे राय लेने के लिए। हम प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचला अधिकारी महोदय बैंक कर्मी से मांग करेंगे कि इनको मुआवजा दिया जाए ताकि फिर से अपने दुकानदारी बिजनेस को खड़ा कर सके। जो हालात इनके साथ है उस हिसाब से इनको मुआवजा दिया ही जाए। हम प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से ये मांग करते हैं। मांग करते हैं जी। आसपास के दुकानदार लोग बहुत सहयोग करते हैं, आसपास के दुकानदार लोग इनके सहयोग है, इनके साथ है, बिल्कुल सहयोग है, इनके साथ खड़े हैं हम लोग भी है, कंधे से कंधे लगा के विकास विक्की भाई के साथ खड़े हैं। इसी तरह होना भी चाहिए कि अगर जब एक का खुशी हो तो दूसरे को भी खुशी होना चाहिए, लेकिन अगर अगला का गम है तो उस गम में सहायक होना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धियां है। जी सर बिल्कुल सही। आज इनके है तो कल अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो सब सहमत से रहे, एक मत होकर रहेंगे, इसी एकता के साथ रहना भी चाहिए। और मांग करेंगे कि जल्द से जल्द मुआवजा का राशि इनको दिया जाए ताकि वो आगे फिर से अपना नया जीवन की शुरुआत कर सके और नवनिर्माण का दुकान हो सके। जी, नवनिर्माण दुकान फिर से शुरुआत कर सके। देखिए आप इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें और हर पदाधिकारी के पास पहुंचाएं। तो वीडियो को देखते रहिए, फेसबुक पे देख रहे तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।